शो को नोटिस इशू करेगी, कोई अगर गलती किसी ने नहीं करी उसमें जवाब देखेंगे, उसको इस तरह से पूछने की जरूरत नहीं। और अगर कोई गलती करे बैठा है वो ये सोचता है कि अन्य प्रदर्शनों से गलती छूट जाएगी, तो वो फिर उसकी गलती है। धरना प्रदर्शन करने से इंक्वायरी नहीं रोकी जाएगी, जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला बुधवार को गन्नौर के बार एसोसिएशन में पहुंचे। रजिस्ट्री घोटाले में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा, अभी कोई एक्शन नहीं हुआ है, अभी सिर्फ नोटिस जारी किए हैं। उप मुख्यमंत्री ने कहा, अगर किसी ने कोई गलती नहीं की तो उसे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर जो गलती करे बैठा है और समझता है धरने प्रदर्शन करने से उसकी गलती छुप जाएगी, तो ये उसकी गलतफहमी है। उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा, पूरे प्रदेश में 7A के अंदर रेगुलेटरी मॉनिटरिंग कराया था और एक प्राइमरी रिपोर्ट कमिश्नर से हमारी तरफ आई थी, उसका जवाब तहसीलदार, नायब तहसीलदार, क्लर्क और पटवारी भी है, सबसे जवाब मांगा है। 17 व 18 तारीख की पटवारी की हड़ताल को लेकर उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, धरना प्रदर्शन करने से इंक्वायरी नहीं रोकी जाएगी, जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वाईफाई सुविधा भी कोर्ट्स के अंदर नहीं, आपका छोटा सा कॉम्प्लेक्स है, इसका भी एक बजट आप बनवा के मुझे दो कि हर बार चेंबर में भी और बाहर के कमरों में भी वाईफाई सुविधा, जिससे तमाम जितने हमारे साथी गण हैं। तो जाए कि इंक्वायरी पूरे प्रदेश भर में, पूरी जो हमारी 6 की 6 कमिश्नरेट है उनमें हुई है, और अभी कोई एक्शन इनिशिएटिव नहीं हुआ। शो कॉज नोटिस इशू करे गए, कोई अगर गलती किसी ने नहीं करी उसमें जवाब देके उसको इस तरह से टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और अगर कोई गलती करे बैठा है वो ये सोचता है कि धरने प्रदर्शनों से गलती छुप जाएगी, तो वो फिर उसकी गलती है। हमने तो सारे प्रदेश में 7A के अंदर इरेगुलरिटीज़ को मॉनिटर करवाया था और एक प्राइमरी रिपोर्ट कमिश्नर्स की तरफ से हमारे पास आई थी, उसका जवाब तहसीलदार भी हैं, नायब तहसीलदार भी हैं, क्लर्क्स भी हैं, पटवारी भी हैं, उन सबसे मांगा है। और मैं तो चाहूँगा कि प्रदेश में हमारा लक्ष्य है कि क्लियर गवर्नेंस मिले और उसके अंदर तमाम अधिकारी भी अपने से, ना तो कोई घोटाला है, इरेगुलरिटीज हैं, और वो किस लेवल की है वो एकदम कहना तो पॉसिबल नहीं है। अभी तो शो कॉज इशू हुए हैं, कहीं पर पटवारी द्वारा कोई एंट्री गलत करी गई है, कहीं पर रेवेन्यू क्लर्क ने डॉक्यूमेंटेशन पूरी नहीं करी, कई बार सब रजिस्ट्रार ने सारी ऑब्जेक्शंस के बाद भी रजिस्ट्रियां करी है, तो एक एक को मॉनिटर किया जाएगा। ये आंकड़े तो वो है जिनके अंदर कमिश्नर्स को ये लगा कि रेगुलरिटीज हो सके। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें हमारे न्यूज़ चैनल हरियाणा लाइव 24 को।